जानते हैं कि जो नक्सली गोविंद साहनी, जो उनके पिता का नाम है रामविलास साहनी, ग्राम सुक्की, थाना पातेपुर, जिला वैशाली, जिन्होंने जिनका आत्मसमर्पण करवाया गया है, ये हमारे कंपनी कमांडर ऋतुराज कुमार और एसपी अभियान के अथक प्रयास के कारण ये संभव हो पाया है। ये दोनों फील्ड में काफ़ी सक्रिय हैं, इनकी सक्रियता के वजह से ही ये संभव हो पाया है। जो ये मुख्य धारा में जुड़ने आज से इनका जुड़ाव हो जाएगा और ये अपने जो तमाम अवैधानिक या इलीगल एक्टिविटीज़ था, जो समाज के लिए एक ढंग से खतरनाक था, उसको छोड़ते हुए और ये एक अपने स्ट्रीम में आकर के अपने आप को इन्होंने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। तो मैं एसपी अभियान को और हमारे कंपनी कमांडर को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो इन्होंने अपने अथक प्रयास से ये काम संभव करवाया है। जहाँ तक इनका जो बैक हिस्ट्री है, जो इसके अनुसार इन्होंने ये गोविंद साहनी जो काफ़ी आपराधिक इनका इतिहास रहा है, जो आपको प्रेस विज्ञप्ति मिल चुका है, जिसमें कि ये कुटनी थाना कांड में, फिर सकरा थाना कांड, मोतीपुर थाना कांड, सकरा थाना, तुर्की रेल थाना, मीनापुर थाना में ये विभिन्न इलीगल एक्टिविटीज़ और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल थे और इनकी तलाश बहुत दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेज और अपने जिला पुलिस को भी थी। आज सफलता मिली है, मुझे खुशी है कि हमारे जवानों ने और हमारे पुलिस ने मिलकर के बहुत ही अच्छा काम किया है। हम गाछी का रखवाली कर रहे थे, उसके कारण अति उपरमुख का हत्या किया गया और इसी भड़काव में हमको बलगनाने का काम किया गया। रोहित सहनी, मुसाफिर सहनी, अनिल लाम हमको भकार में ले जाकर बलगनाने का काम किया। उसके बाद हमारा अरेस्टिंग हुई। अरेस्टिंग होने के बाद 2017 में हम बाहर आए। उसके बाद हम लोग इन लोगों से अलग हो गए। और बहुत ऐसा हमारा कान में समझिश उसमें आया है, नाम है, हम मोतीपुर में सर सरेंडर किए हैं और इसी के कारण हम आप समर्पण किए हैं।